सीवान लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चरपाई छाप से चुनाव लड़ रहे जीवन यादव तूफानी दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सिसवन क्षेत्र में जनसंपर्क किया, क्षेत्र में दौरा कर मतदाताओं से मुलाकात कर समर्थन देने की अपील की। लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान चुनाव निशान चरपाई पर मतदान की अपील भी की गई। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव ने कहा कि प्रचार के दौरान यहां के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सिवान की जनता अब निष्क्रिय नेताओं से पूरी तरह से उब गई है। वो उसी प्रत्याशी का समर्थन करना चाहती है जो उनके बीच सक्रिय रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी ने पार्टी के नेताओं की हवाइयां उड़ा दी है। पार्टी के नेता चुनाव के वक्त ही सामने आते हैं, ऐसे में उन्हें उनकी असलियत दिखानी बहुत जरूरी है। कि जोगी जी जैसे ये बोले ना कि यूपी में नो एंट्री अपराधियों का, तो मैंने भी संकल्प लिया है कि सिवान में अपराध अपराधी दोनों की नो एंट्री होगी। सांसद बन जाएंगे तो जिस दिन मुझे पद मिलेगा, 4 तारीख को अगर मैं जीतता हूँ तो 5 को ही कुछ अपराधी घसक जाएंगे, 6 को कुछ घसक जाएंगे। कुछ बोल दी, बोलिए बोलिए। सांसद बनेंगे चाहे नहीं बनेंगे, इनके नेतृत्व में कोई अपराधी का एंट्री नहीं होगा यहाँ पे सिवान जिला में। लगातार आप ये बात करते आ रहे हैं कि जीत जाएंगे तो 4 तारीख को अपराधियों का बोलबाला खत्म हो जाएगा। 4 के बाद मेरा दौरा शुरू होगा रोड पे। जब मुझे पावर मिलेगा तो मैं घर में सोऊंगा नहीं, जैसे अभी भी सोता नहीं हूँ, मैं रोड पे ही रहता हूँ। बशर्ते पावर के साथ रोड पे रहूंगा ना, तो अपराधी ऐसे ही अपराध करने से डरेंगे, कुछ अपराधी तो जिला छोड़ ही देंगे। क्योंकि मुझे भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान को बनाना है, और कुछ घुसखोर लोग भी सबक सीख लेंगे। अच्छा, आपके पूरी टीम चलती है तो अमूमन ये देखने को मिल रहा है केवल युवा है, बूढ़े बुजुर्ग दिख ही नहीं रहे। अभिभावक लोग को हम लोग घर पे रखते हैं, पूजनीय हैं, सुबह पैर छू के निकलते हैं और शाम को जाते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे पूजनीय जो हमारे अभिभावक हैं सही से रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और घर में रह के बच्चों के साथ जो या गांव के समाज के साथ बैठ के अपना जीवन अच्छे से यापन करें। अभिभावक का यही काम होता है कि बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसको मदद करके आगे बढ़ाना। युवा ही देश पर नेतृत्व करता है, युवा ही देश चलाते हैं। अगर IAS देखिए तो युवा ही है। 60 बरस के बाद ना बुजुर्ग होता आदमी, 60 बरस पहले तो युवा है। जो 20 साल से 60 साल का जो उम्र होता है बीच का, वही युवा है। तो 60 में रिटायरमेंट क्यों है? क्योंकि 60 में रिटायरमेंट का मतलब कि अब आप बुजुर्ग में जा रहे हैं। तो 60 के पहले तक युवा है, आर्मी के जवान युवा हैं, टीचर युवा ही है, देश की रक्षा सुरक्षा शिक्षा सब युवा के हाथ में है, हॉस्पिटल में डॉक्टर युवा हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता भी युवा ही होना चाहिए। जब देश चलाने वाला, देश की सुरक्षा रखने वाला युवा है तो नेतृत्वकर्ता भी युवा ही होना चाहिए। देखिए, वैश्य समाज को नेतृत्वकर्ता सिवान में नहीं मिला, लेकिन मैं वादा किया हूँ, संकल्प लिया हूँ, जैसे सैम्पी गुप्ता को मैंने चेयरमैन बनाने का काम किया, वैश्य समाज की बेटी को, मेरा सपना है कि यादव और वैश्य का कॉम्बिनेशन बना के वैश्य से एक विधायक सिवान में हो, जिससे कोई वैश्य के लोग कहे कि मेरा भी जाति का एक विधायक है। ये मेरा सपना है। एक तरह से जो मैं 9 संकल्प लिया हूँ ना, उसमें एक तरह से ये भी संकल्प ही मान लीजिए कि मेरा सपना है कि वैश्य का कोई भी एक नेतृत्वकर्ता हो, मैं उसका मदद करूँगा। हम दोनों मिल के एक नया इतिहास जोड़ेंगे। अब वैश्य और यादव का कॉम्बिनेशन बना के एक वैश्य को विधायक बनाने का, इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हर वैश्य समाज से कि आप लोग एक नेतृत्वकर्ता बनाइए। हर जाति का एक नेतृत्वकर्ता है, उसी तरह वैश्य का भी एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए।